हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई स्पेशल मैगी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रखा है कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड किया है मैंने मस्टर्ड ऑयल, और जैसे ही मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। तो जीरा अच्छी तरीके से फ्राई हुआ है, तो यहाँ पर मैंने अनियन पेस्ट ऐड किया है। आप चाहें तो अनियन को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। और अब यहाँ पर ग्रीन चिली, गार्लिक पेस्ट और जिंजर एक साथ हमने यहाँ पर पीस कर रखे थे, इनको मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर, और इनको अच्छे से फ्राई होने देंगे अभी, ताकि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप के बराबर पानी, क्योंकि इसमें हमें मसाले ऐड करने हैं। तो मसाले जो हैं वो हम ऐड करेंगे, जो मैगी के साथ मैगी मसाला आता है वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 पाउच ऐड कर रही हूँ मैगी मसाला के, क्योंकि हमें 3 मैगी के जो पैक्स होते हैं वो ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैं मसाला ऐड कर चुकी हूँ, तो 3 पैकेट हो गए हैं ये मसाले के, और अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अभी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने क्या किया था, जो सोया चंक्स होते हैं सोयाबीन के, इनको मैंने गरम पानी में डिप करके रखा था। अब ये अच्छे तरीके से भीग चुके हैं, सोक करके रखा था इन्हें, तो अब मैंने इनको ऐड कर दिया है इसमें। तो ये आप ज़रूर ऐड करके देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है मैगी में इसका। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तो पानी हम अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, जितना क्वांटिटी हमें चाहिए और जिस तरीके का मैगी हम बनाना चाहते हैं। तो पानी मैंने यहाँ पर ज़्यादा ही ऐड किया है, एटलीस्ट छोटे कप का मैंने 6-7 कप इसमें ऐड किया है। और अब मैं इसमें नूडल्स ऐड कर दूँगी, मैगी नूडल्स। तो मैगी के जो भी स्टेक्स हैं, 3 स्टेक्स मैंने यहाँ पर लिए हैं मैगी के, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 स्टेक्स को ऐड कर दिया है। और अब इनको मिक्स कर लेती हूँ, और अब मैं इसमें पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे पानी उतना चाहिए जिससे कि जो मैगी नूडल्स है वो अच्छे तरीके से डिप हो सके। तो क्योंकि मैगी मुझे बहुत ड्राई ड्राई पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इस तरीके से इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैगी जो नूडल्स हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से डिप हो चुके हैं। तो आप देख लीजिए कितना पानी मैंने इसमें ऐड किया है, और इसका जो कंसिस्टेंसी है वो मुझे कैसा रखना है आप वो देखिएगा। तो अब क्या करेंगे, जैसे इसमें पानी ऐड हो गया है तो अब मैं 1 बॉईल आने तक के लिए इसे कवर करूँगी। वेट करेंगे 1 बॉईल आने का। यहाँ पर 1 बॉईल आ चुका है, और आप देख सकते हैं एक बार इसे हम चला देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सारा कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और जो नूडल्स हैं वो एकदम अलग अलग हो जाएं। और फिर से मैं इसे कवर कर दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से ये जो है अच्छे तरीके से पूरा सोक होके अच्छे तरीके से फूल गया है मैगी, और मैगी भी यहाँ पर जो नूडल्स हैं वो पक चुके हैं। तो अब इनको मिक्स कर लेते हैं, और ऐसा है जो इसका जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं अभी इस तरीके का है, इससे हल्का सा मुझे इसको और गाढ़ा करना है। बस हमें इससे ज़्यादा इसे नहीं करना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो सॉस। तो टमाटो सॉस जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप इस टाइम पर ऐड करना चाहें तो करिए, अदरवाइज़ आप खाने के टाइम पर ऐड कर सकते हैं, और ना चाहें तो ऐड नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बनकर रेडी है, तो आप देख सकते हैं इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बनकर रेडी हो चुका है। और अब मैं इसे बोल में ट्रांसफ़र करती हूँ, इसका जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा स्पेशल
मैगी नूडल्स बनकर रेडी है। तो आप भी अपने घर में इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये कोई भी खा सकता है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, बड़ों को भी अच्छा लगेगा। बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी आज की ये स्पेशल मैगी नूडल्स की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।